有人都是你来的तो फाइनली हम लोग गिरिडीह तो फाइनली देख सकते हैं बहुत आम फड़ा हुआ है और फंडा डू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बात है, कमाल की चीज़ें, कमाल की चीज़, कमाल के व्यक्ति से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है, मैं बता दूं। अभी कहाँ चल रहे हैं कोई हमें पता नहीं है और गाड़ी लग चुकी है। तो आइए ब्लॉग पर आप कंटिन्यू बने रहिएगा और आपको रूबरू कराते रहेंगे। ऐसे हमें भी कुछ मालूम नहीं है कहाँ चलना है क्या है। तो ये वैन है और हमारे वीरेंद्र सर, सत्यम जी और ये इसमें सवार होंगे। चलते हैं, अब यहीं से लौटेंगे तो वहीं जाएंगे। सब लेबर लोग तैयार हो गए हैं तो उसको रहने के लिए वहाँ जगह की व्यवस्था करना। मैंने डाल्टन से होकर सर जाइएगा ना। हाँ तो 5-7 आदमी भी जाएगा। तो फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग जलपान कर रहे हैं, इसके बाद रवाना। और सर इधर कहाँ तक घोट रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग अभी लातेहार जिला के अंतर्गत हैं और टॉयलेट के लिए इधर गए थे। हमारे नाम बुला जाए क्या है नाम कुंदन जी हैं और हम लोग अभी निकल गए हैं। अभी बारी आतू में है, आप जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत टेंपल है और ये बैरियर है जो कि गाड़ी वगैरह के चेकिंग के लिए। और अभी फ़िलहाल गाड़ी में हवा चेक किया जा रहा है क्योंकि लंबा सफ़र है। 10:30 बजे चले थे, तकरीबन 1:30 के आसपास हो ही गया होगा। हरिहंज में हम लोग हल्का फुल्का लंच किए और इसके बाद हम लोग निकलेंगे देवघर के लिए। तो अभी फ़िलहाल रास्ते में ही हैं, चलिए और देखिए बने रहिए। चोट नहीं लगा तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे थे और ये फिलहाल एक डाइवर्सन कह सकते हैं और बाइक वगैरह लाने में दिक्कत हो रहा है और एक महिला थी जो कि गिर गई और स्कूटी से, तो थोड़ा सा हेल्प के व्यू से हम लोग रुके हुए थे। और आइए चलते हैं, तो आप बने रहिएगा। वो जा रही है, आप देख सकते हैं, आप कंटिन्यू ब्लॉग पर जाने रहिए। तो फाइनली देख सकते हैं बहुत आम फड़ा हुआ है और सत्यम लिया है आम लेने, शायद वो खराब है। सत्यम का नहीं मिला तो हमको मिल गया। देखिए पब्लिक के दिखा दीजिएगा, वहीं के पास से घूमेंगे। तब हम लोग को लग गया है भूख और यहीं पे भोजन होगा। इसके बाद हम जूता नहीं खोला, शुद्धिकरण हो रहे हैं। ₹1,000 लेके चला है।
तो फाइनली अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग हैं जीटी रोड पे और ये टोल फ्री है जो कि हम लोग का गाड़ी का कार्ड रिचार्ज नहीं था जिसके वजह से अभी रुक गए हैं। रिचार्ज हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बाद हम लोग पे मिलेगा वो गाड़ी पड़ा हुआ है। तो चलेंगे दिखाएंगे आप सबों को। तो फाइनली दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं पलामू से चलकर हम लोग जा रहे थे देवघर, और देवघर के दौरान ये पारसनाथ का गेट है और यहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है और पहाड़ पे वो मंदिर स्थापित है। तो हम लोग वहाँ तुरंत अभी संभव नहीं है क्योंकि गिरिडीह होते हुए देवघर निकलेंगे और समय नहीं होने के कारण हम लोग पारसनाथ का ब्लॉग नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं सत्यम जी, वीरेंद्र बुखार जी और प्रेम सर हैं, फिर इधर कुंदन जी हैं। तो हम लोग अभी निकले हुए हैं दूसरी प्रोजेक्ट के माध्यम से, लेकिन फ़िलहाल रास्ते में ये गेट पड़ा तो आप सबों को दिखाने का काम किया। और ये सराय हमारे प्रेम सर का जाता है जो कि इन्होंने हम सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देवघर गिरिडीह और जो भी इधर ये कौन सा है वो बोल रहे थे सर, हाँ बासुकीनाथ, तो ये सब ब्लॉग के माध्यम से आप सबों को दिखाएंगे। तो समय नहीं है इसलिए हम लोग चलेंगे, तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहें। चलिए विराजमान हुई है। चलिए अरे यार, फाइनली हम लोग गिरिडीह को पार करके एक गोल्डन, शायद क्या लिखा हुआ, गोल्डन जुबली, गिरिडीह कॉलेज के पास एक कैंटीन है और वहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं और यहाँ से फिर रवाना होंगे देवघर के लिए। तो वो आपका है जी। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आ चुके बाबा की नगरी और उम्मीद करते हैं छोटी सी ब्लॉग आप सबों को कैसा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा। ये टूर ब्लॉग है और कंटिन्यू ब्लॉग के माध्यम से आप सबों को रूबरू कराते रहेंगे देवघर का और प्लस पाकुड़ जिला का। और फिलहाल ये टूर ब्लॉग डाल्टनगंज से टूर देवघर का ये ब्लॉग था, आइए आपको फिर दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग देवघर में इन कर गए और सभी कलाकार बंधु अब चलेंगे होटल, होटल में फ्रेश होंगे, इसके बाद खाना, खाना के बाद जो भी होगा, लेकिन एंड कर रहे हैं ये ब्लॉग, टूर ब्लॉग था और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप सबको ब्लॉग से ग्रुप कराएंगे। तो यहाँ का ये चारों तरफ का व्यू है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोग आ गए टूर पे। तो ये डाल्टन टू देवघर का ये टूर ब्लॉग आप सबों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी ब्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक मिलेगी, इजाज़त देंगे।